केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में और मैं हूँ आपके साथ वंदना। आई रुक करते बिहार की, बिहार के चुनाव की, तो बिहार में तीसरे चरण का चुनाव जोरों पर है। वहीं प्रत्याशी चुनाव प्रचार में व्यस्त है और इसी कड़ी में मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 3 के पार्षद प्रत्याशी विभा देवी भी चुनावी मैदान में हैं। तो आइए, हमारे संवाददाता विकास ने प्रत्याशी विभा देवी व उनके प्रतिनिधि राम शरण रजक से खास बातचीत की है कि वार्ड 3 का विकास कैसे होगा और किन किन मुद्दों के साथ में विभा देवी जो है चुनाव के मैदान में उतरी। इन तमाम बातों को देखने के लिए इस पे एक नजर डालते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं विकास कुमार झा। हम हैं मुंगेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी हवेली खड़गपुर नगर परिषद में। हवेली खड़गपुर नगर परिषद में तीसरे चरण का चुनाव होना है, उसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है प्रत्याशी हैं विभा देवी वार्ड नंबर 3 से। हम इनसे बात करेंगे चुनाव लड़ने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है और किन किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है। चुनाव क्यों लड़ रहे हैं मैडम? मेरा उद्देश्य हमारे समाज का विकास हो, सभी वर्गों को सम्मान हो, मेरा उद्देश्य इससे चुनाव में लड़ रही हूँ। जनता आपको वोट क्यों करेगी? क्यों करेगी, मैं विकास करना चाहती हूँ, सभी वर्गों को मैं सम्मान करती हूँ, इसीलिए जनता मुझे चाहती है। जनता अगर आपको वोट देती है तो आप अपने वार्ड की जनता के लिए कौन कौन सा कार्य करेंगे, कार्य को बताएं। कार्य को बताने के लिए रोड नाला और सब जो भी है, इंदिरा आवास सब मिल रही है, पेंशन वगैरह, ये सब हम मुद्दे रखते हैं अपने नगर पंचायत में और सभी को लाभुकों को लाभ देना चाहती हूँ। जनता वोट देगी तो आप कौन कौन सा काम करेंगे? वृद्धा पेंशन, रोड, स्वच्छ पानी, नाला, लाभुकों को बिजली का सुविधा, सरकार की योजना है, सबको सरकार की जितनी योजना है। वोट मांगने जा रहे हैं, जनता क्या कहती है? काम करेंगे तो आपको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है? जी, मिल रहा है जनता का आशीर्वाद। जनता से क्या कहना चाहते हैं, कह दीजिए। हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि आपका हर काम को मैं किसी तरह पूरा करूंगी। यही सर, जनता आपको वोट क्यों करेगी? जनता इसलिए वोट करेगी, जनता का हम सम्मान करते हैं, जनता के हर कार्य को देखते हैं और करते भी हैं अभिकर्ता के रूप में। आप पहले भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, उस समय आपने अपनी जनता के लिए कौन कौन सा कार्य किया? हमने सड़क बनवाए, नाला बनवाए। कितने सड़क बनवाए लोग? सड़क लगभग 6 सड़क बनवाए। ठीक है, नाला का स्कूल बनवाए, 5 नाला बनवाए। और जो जो कार्य किए हैं बताइए। एक प्राइमरी स्कूल भी मांझी टोले में दिए हैं, मुरला मुसाही में, मेहनत करके जमीन दान करवा करके। जमीन दान करवा के? दान करने पर से जी, जमीन का खोज करके जितना भी उलझन आया उस स्कूल में, उस उलझन को काटते हुए हमने उस स्कूल को तैयार करवाया। पब्लिक व्यक्तिगत अगर लाभ की बात रही, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गए, शौचालय हो गए, राशन कार्ड हो गए, वृद्धा पेंशन हो गए, इन सब चीजों में आपने कितने लोगों का मदद जी? वृद्धा पेंशन हमने 28 व्यक्ति को दिए, 12 से 17 तक जो मेरा कार्यकाल विभा देवी का रहा उसमें जो प्रतिनिधित्व किए, 28 व्यक्ति का हमने वृद्धा पेंशन, विकलांग और विधवा दिए हैं। आगे विकलांग को, 3 विकलांग को रिक्शा भी दिलवाए हैं, कम्बल भी उसके बीच में जो है सो मेहनत करके प्राइवेट आदमी जो दान करता था, 28 कम्बल भी जो है सो हमने अपने वार्ड में दिलवाए हैं।
आवास योजना की बात हो तो कितने लोगों को आवास है? आवास योजना की जहाँ तक बात है, पहले शहरी क्षेत्र में आवास योजना नहीं था, पंचायती क्षेत्र में था, इंदिरा आवास दिया जाता था, लेकिन विवा देवी का जो हमने प्रतिनिधि के रूप में अभिकर्ता के रूप में कार्य किए हैं, उस समय सरकार से रिक्वेस्ट भी किया करते थे कि पंचायत में जो है सो आप लोग सब MLA और MP से कहते थे कि पंचायत में आप लोग सब जो है सो इंदिरा आवास दे रहे हैं, पब्लिक लोगों का कहना है कि क्या पंचायत का ही व्यक्ति आपको मतदाता वोट देता है, शहर का व्यक्ति और मतदाता वोट नहीं देता, इसलिए हम लोगों को भी इंदिरा आवास मिलनी चाहिए, इसलिए हम लोग सब सरकार से रिक्वेस्ट करते थे कि शहरी क्षेत्र में भी आवास मिलनी चाहिए और चिट्ठी भेजवाते थे जो इस अधिकारियों के जरिए। अंततोगत्वा यहाँ भी लागू हुआ 12 से 17 के बीच में ही, और अब कुछ शुरू हो गया है, जो कुछ मिला भी है स्पीड नहीं पकड़ा है आवास का, पकड़ाने की जरूरत है, पकड़ाएंगे जी। ये तो आपने बताया कि आपने जो जो कार्य किए, अगर आप इस बार जनता आपको पुनः मौका देती है तो कार्य कौन कौन सा करेंगे आप इस बार? पुनः मौका यदि मतदाता विवा देवी को दिया तो हम जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें जो कुछ भी कमी बचल है, जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, कन्या विवाह योजना राशि, जो कुछ भी बचा हुआ है उस सारे कार्यों को पूरा करेंगे। साथ ही साथ PMY योजना शहर में दिया गया है, जो भी कमी आ रहा है, स्पीड नहीं पकड़ा है, उसको स्पीड पकड़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे किसी किसी वार्ड में 3 घर 4 घर मिला है, हम अधिक से अधिक संख्या में जो ऐसे घर दिलाने का प्रयास करेंगे। उसमें जनता से सर क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि हमको मौका दिया जाए। कार्य पहले भी विवाह देवी के रूप में ये हुआ है, और इस बार जो है सो 3 नंबर वार्ड से विवाह देवी चुनाव लड़ रही है, उसका प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं अभिकर्ता के रूप में, और 4 नंबर EVM पर हवाई जहाज जिसको वायुयान छाप कहते हैं उस पर बटन दबा करके वोट दीजिए, जिताइए विवाह देवी को, और हमसे जितना काम हो सके सहयोग के रूप में वो हमसे लीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। पूर्व में जो आपने कार्य किया है क्या लग रहा है उसका फायदा आपको मिल रहा है? पूर्व में जो कार्य किए हैं उससे हमको अंदाज और अनुभव है कि मतदाता पुनः इस बार स्वीकारे हैं और वोट देने के लिए तैयार हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।